नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन पे। यहाँ देख सकते हैं मोदी, योगी और शाह की, इनके पोस्टर हाथ में है। एक सरदार साहब है, सिंह साहब है और उनके हाथों में चप्पल है। और ये क्या मोदी मर गया, मोदी मर गया, अमित शाह मर गया, योगी मर गया, योगी मर गया, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दिल्ली है नी तेरे कम निकम है, बाकी जमे किसान है और काफी जोश के अंदर है। मोदी, योगी, अमित शाह के पोस्टरों को यहाँ चप्पलों से पीटा गया है। किसान आंदोलन में जो आक्रोश है, जो जोश है, किसानों में बात करेंगे। भाई कल भी दिल्ली गए थे किसान वार्ता करने सरकार से, वो भी फेल होगी। क्या कहना चाहोगे इस किसान आंदोलन को लेकर, इतना जोश आपके अंदर है जो, और क्या मांग करते हैं सरकार से? देखो सरकार से साढ़े जेडे किसान जथेबंदियों ने अपनी मंगा रखिया, उ पहला दिन तो मंगा ने, उ आखिरी दिन तक उही मंगा रहनगियां, जदों तक जेडे काले कानून और रद्द नहीं कर दिंदा। हमें तो नहीं जाते, हमें उरे कुंडली बार्डर से कुंडली मार के मोदी की हिकमा इतें ही बैठूंगे जब तक हमारा काले कानूनों वह वापस नहीं करता। मोदी सरकार कहती है कि सरकार जो कानून ने फायदे बंद ने किसानों को समझ नहीं आ रही। अडानिया बानिया का फायदा दिख रहा है इसमें, तो फायदेमंद ने फायदा तो पानी भी दिता बहुत, एक बंदे नू, एक बंदे नू ना जड़ी चीजा की सानू लोड़ नहीं हैगी, साथे क्यों थोप रहे ओदा किसानों नू पुछ के बनाना चाहिए। जो चीज जिसके वास्ते बनाई जाती है उसनू पुछे ही नहीं गया। जो असं कह रहे हैं भी सानू इन्हां कानूनों की लोड़ नहीं, सानू तेरे सरकार तेरे फायदों की लोड़ नहीं, सर सिरे धक्के दे साडे नाल थोपे जा रहे हैं, असं इन्हां नू वापस करा के ही रहांगे। चाहे सानू इत्थे जो साडे जिन्हें भी यूनियन बंदे आए हैं, जिन्हें भी साडे हरियाणे तो, पंजाब तो, महाराष्ट्र तो भाई आए हैं, असं इन्हां नू कानूनों नू किसान ते सारे देश दा आ गए इत्थे हुण, सारे देश दा किसान इत्थे बैठा, क्योंकि जब देश दा किसान चाहुंदा ही नहीं कानूनों नहीं, तुसीं साडे क्यों ला रहे हैंगे? असीं इस कानूनों नू बंद करा के जावांगे, चाहे साडी जिन्नी मर्जी लड़ाई लड़नी लंबी पवे, कानून वापस ना ले सरकार ने फिर, असीं इत्थे बैठे हैं, असीं बैठे हैं, चाहे सानू अपनी जान भी देनी पवे तां असीं अपनी जान ते भी खेडांगे। असीं मैं एक संदेश देना चाहा भारत वासियों नू कि आ जिहड़ी लड़ाई है कल्ले किसान दी नहीं है, कितें वहम च रह जाओ, जिहड़ा रोटी खांदा लड़ाई हर उस इंसान दी है। ये बिल तो मोदी कहता चंगे ने, ये चंगे चंगा तो पानी भी है, एक बंदे नू लंबा पा लो, वह कह मूँह में पानी की पैप पाती, वह कह पानी जा रहा पानी, वह कह रहा पानी बस करो होर नहीं मेरे फेफड़े खराब हो जूंगे, वह कहता बना ना पानी सेहत वास्ते चंगा। इस तरह किसान कह रहे भी बिल मारे वास्ते चंगे नहीं है, जिन्हें कदे किसानी नहीं करी मोदी ने, वह कह रहा नहीं नहीं मैनू पता का बिल थारे वास्ते चंगे है, भी उन्होंने दस भी किसानों नू पता बिल चंगे है, तेनू पता ठीक है ना? ये कोई चाह थोड़ी है, किसानी है, ये हड पाए हुए बजुर्गों ने, आ एक किसानी तो रह गई मारे को,
पहला मारिया इन्होंने पछावा खोलिया, मारी पंजाबी नू खत्म करता। आ पंजाब करनाल तक था, करनाल तक पंजाब था मारा, आ हुण कित्थे तक रह गया, लालड़ू तक। सो इन्होंने मारा पंजाब खत्म करता, मारी बोलियां खत्म करतियां। आ इस तरह ही मारी जिहड़ी रीढ़ की हड्डी बने सट मारी है, मारी होंद नू खत्म करन लगे इह। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਆਵਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ। 187 ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, 187 ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 92% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 92% ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਕੱਲ ਮੰਨਣ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ। 92% 123 ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਧੋਤੀਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ RSS ਬਣ ਗਏ। ਚੱਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਦਮ ਰਹੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਕੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਚ ਕੀਲਾ ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਬਈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੂਤ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਯੁਵਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ रोश है और जोश है, तो बने रहिए। आपको हम लगातार इस तरह की रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। कुंडली बॉर्डर दिल्ली से जो किसानों का आंदोलन यहाँ चल रहा है, ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरे में से होगी इंतजार आलम के साथ, दिल्ली के कुंडली बॉर्डर किसान आंदोलन से।